क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। बच्चे यहां देखें, फिगर में आपने ये मान लिया कि ए बी बिल्डिंग को रिप्रेजेंट करता है जबकि सी डी टावर को रिप्रेजेंट करता है। इसकी हाइट गिवन है कितनी, 50 मीटर, और इसकी आपको हाइट बतानी है। और क्या गिवन है बच्चों, दिया हुआ है कि बिल्डिंग के फुट बी से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, जबकि टावर के फुट डी से बिल्डिंग के टॉप ए का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। तो आपने क्या फाइंड करना बच्चों, फाइंड करना है हाइट ऑफ बिल्डिंग, उसे हमने एच मान लिया। अगर बीडी को आप एक्स मान लेते हैं तो इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। आपने यहां दो ट्रायंगल लेना है, कौन कौन सा, एक बार तो बीसीडी लेना है, इसमें टेन यूज करेंगे, टेन 60 लेंगे, और एक बार ट्रायंगल लेना आपने एबीडी, इसमें हम लेंगे टेन 30 डिग्री, ठीक है ना, और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, लेट एच बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग एबी, एबी इक्वल एच, सीडी इज इक्वल टू 50 मीटर, बीडी इज इक्वल टू एक्स मीटर, बाकी एंगल हम सो नहीं कर रहे बच्चों। इन ट्राइंगल बी सी डी टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू सी डी अपॉन बी डी, पी अपॉन बी, टेन 60√3 सी डी 50, बीडी को आपने एक्स माना हुआ है, तो हो जाएगा बच्चों एक्स इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 50√3। इसे रिसलाइज कर लीजिए, डिनोमिनेटर को रिसलाइज कर लीजिए, तो रूट थ्री से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 50√3/3। ओके, इन ट्राइंगल ए बी डी टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू, बच्चों देखो ये रहा ए बी डी, टेन 30 हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी कैसे बच्चों, पी अपॉन बी से, तो ये हो जाएगा 1/√3, ए बी की वैल्यू एच, बी डी की एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो जाएगा एक्स इक्वल h√3। ओके, लेकिन आपने बताना क्या बच्चों, एक्स नहीं बताना, आपको एच बताना है, एक्स की वैल्यू यहां से पुट कर लीजिए, एम्प्लाइज 50√3/3 इज इक्वल टू h√3। क्या किया बच्चों हमने, एक्स की वैल्यू ये रही 50√3/3 यहां पुट कर दिया। अब √3 से √3 कैंसिल हो गया बच्चों, एच इज इक्वल टू 50/3। आप चाहो तो इसे पॉइंट में कन्वर्ट कर लो या मिक्स फ्रैक्शन में, बच्चों यदि डिवाइड करें तो हो जाएगा 16 टाइम्स, तो पूरा डिवाइड हो जाएगा और 2 बच जाएगा रिमाइंडर, तो 2/3, 16 होल 2/3 मीटर, ये रहा बच्चों आपका आंसर, नोट कर लीजिए।